गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था, दैट इज़ यूनिट वन वी हैव कंप्लीटेड। यूनिट टू जो है वो स्टार्ट करना था हम लोगों को, सो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल जस्ट शेयर माय। सो एज यू कैन सी, हम लोग के पास जो यूनिट टू है उसको करने के पहले वी हैव दिस टॉपिक, जिससे आपको एक क्लियर डिटेल्स पता चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वी हैव फ्यू थिंग्स, फर्स्ट इज डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर, दिस आर द टू मेन थिंग्स। यहाँ पे अगर वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नेचर। सो जैसा फिजिकल वर्ल्ड में आपके सिग्नेचर्स रहते हैं, आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई एक बिजनेस डील करेंगे, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग वहाँ पे जैसे हम लोग के फिजिकल सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे वी विल बी यूजिंग आर डिजिटल सिग्नेचर हियर। तो यहाँ पे हम लोग अपने डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। सो डिजिटल सिग्नेचर का पर्पज़ क्या होगा, वाई वी यूज़ इट, उसके एडवांटेज क्या रहेंगे, एंड वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपको मिलेगा कहाँ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इट्स नथिंग लाइक कि आपका फिजिकल सिग्नेचर का मैं अगर फोटो क्लिक कर रहा हूँ, दैट्स वॉट वी मीन बाई डिजिटल सिग्नेचर। इट इज़ नथिंग लाइक दैट हियर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है एक CA के पास से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, विच इज़ कॉल्ड एज डिजिटल सर्टिफिकेट। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है विच कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी वन कंप्यूटर ओनली वन। आप ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है CA के पास। CA स्टैंड फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, लाइक TCS जो है वो एक CA है। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स, कोई अग्रीमेंट्स, कोई इंपॉर्टेंट टेंडर रिलेटेड डेटा, कोई ऑफर्स या कंपनी के बाकी के कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो मुझे अगर बाकी मेंबर्स या बाकी जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ अगर शेयर करना है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, या आई हैव एडमिटेड एवरीवन, अभी कोई मीटिंग में नहीं है। सो अब बेसिकली कि हम लोग एक सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब ये जो सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग, तो वो आपको CA के पास से मिलेगा। सो आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल कर CA को, जहाँ पे यू विल बी सेइंग कि ओके मैं ये कंपनी में ये पोस्ट पे हूँ, एंड मेरे अंडर ये टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो मुझे आगे पास। अब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंपनी के काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न हम लोगों को वो डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, सिक्योरली ट्रांसफर करना है, मतलब रीडेबल टू नॉन रीडेबल फॉर्मेट, एनक्रिप्शन का मतलब होता है। एंड नेक्स्ट थिंग कि इट इज़ माइट पॉसिबल कि मुझे वो सेम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर ऐड करना है। सिग्नेचर मतलब ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपने ही वो डॉक्यूमेंट भेजा है, कोई दूसरे पर्सन ने आपका नाम यूज करके वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। Getting so to prove that just to prove that document is coming from an genuine source, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर भेजेंगे। नाउ डिजिटल सिग्नेचर जो आपको CA के साइड से मिलता है डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ में, वो जो होता है ना, दैट्स अ यूनिक ID, एक यूनिक कोड होता है, और वो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड करके भेजेंगे। एंड रिसीवर जब वो सेम डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा, तो ये जो आपका डिजिटल सिग्नेचर जिसको बोल रहे हैं उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे वेदर दैट पर्टिकुलर सिग्नेचर या दैट यूनिक ID बिलोंग्स टू यू और नॉट। और ये वेरिफिकेशन के लिए वापस हम लोग वो डिटेल्स जो है वो CA के पास ही भेजते हैं। वेरिफिकेशन के लिए अलग से एक अथॉरिटी होता है, उसके पास भेजते हैं। सो वही सेम प्रोसेस कैसे चलता है वो यहाँ। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ये हम लोगों को पता है, एंड डिजिटल सिग्नेचर को हम लोग जब फिजिकली दो पार्टीज आपस पे मिल नहीं सकते, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर यूज करेंगे। एज यू कैन सी, डिजिटल सिग्नेचर इज इंटेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परिंग एंड इम्पर्सोनेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे, डिजिटल सर्टिफिकेट पे मिलेगा।
अब डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर इफ यू नो कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, जिसके मेन तीन काम रहेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर। पब्लिक की एनक्रिप्शन आएगा, मतलब यू विल बी गेटिंग टू कीज। ओके, आपने एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा, सो विल बी गेटिंग वन थिंग जिसके थ्रू मैं डेटा को या फाइल को एनक्रिप्ट कर सकता हूँ, उसको पब्लिक की बोलते हैं। देन एक जिससे मैं वो डेटा डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, इसको हम लोग प्राइवेट की बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग, टू प्रूव दी ऑथेंटिसिटी, हम लोग वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव प्राइवेट की। अब एनक्रिप्शन का मतलब, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं। एनक्रिप्शन का मतलब रीडेबल टू नॉन रीडेबल में कन्वर्ट करना, एंड डिक्रिप्शन का मतलब नॉन रीडेबल टू रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, बराबर है, फॉर अ सिक्योर ट्रांसमिशन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि दो अलग कीज, दो अलग पैटर्न यूज कर रहा हूँ, वन फॉर एनक्रिप्शन एनक्रिप्टिंग द डेटा एंड अदर फॉर डिक्रिप्टिंग द डेटा। तो वो जो पैटर्न हम लोग असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी जो है वो दो टाइप के रहते हैं, एक सिमेट्रिक एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक देखो, सेम सिमेट्रिक मीन सेम, सेम की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज फॉर डिक्रिप्शन, और सेम पैटर्न इज यूज फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज फॉर डिक्रिप्शन। सो जैसे मैं डेटा को रीडेबल टू नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वही सेम पैटर्न मुझे रिवर्स में यूज करना है टू डिक्रिप्ट दैट डेटा, बट वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। अगर किसी को भी पता चला तो एनी वन कैन डिक्रिप्ट योर डेटा वेरी इजिली। सो दैट्स वाई वॉट वी फॉलो अ पैटर्न, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वी यूज वन पैटर्न और वन की फॉर एनक्रिप्टिंग द डेटा। सो मेरा पब्लिक की जो है ना, ये सीए के पास से किसी को भी मिल जाएगा। दिस पब्लिक की इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो मेरे इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग हैं, सबको ये पब्लिक की का एक्सेस रहेगा, मेरे पब्लिक की का। मुझे कोई अगर डॉक्यूमेंट या मैसेज सेंड करना है, देन दे विल बी यूजिंग दिस पब्लिक की टू एनक्रिप्ट दैट डॉक्यूमेंट, बराबर है। वो एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट जो वो मुझे भेजेंगे, वो मेरे प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा। विदाउट दिस प्राइवेट की, दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट बी एबल, नो वन इज बी एबल टू डिक्रिप्ट दैट डॉक्यूमेंट विदाउट दिस प्राइवेट की जो मेरे पास रहेगा। दिस इज द कॉन्फिडेंशियल वन, ये सबको पता नहीं रहेगा। एंड टू प्रूव दी ऑथेंटिसिटी, हम लोग उसके ऊपर क्या ऐड करेंगे, सिग्नेचर ऐड करेंगे। सो दिस इज द पैटर्न, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया मैंने। अब उसी को हम लोग अगर डिटेल में समझे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एज यू कैन सी हियर, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये पैटर्न फॉलो होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन गोज ऑन। सो यहाँ पे आप देखो, एमी यूजेस बेंस पब्लिक की, एमी ने क्या किया, बेंस पब्लिक की यूज किया। अब ये उसको कहाँ से मिला, सी के डेटाबेस में से, रिपोजिटरी मतलब डेटाबेस। तो अगर मुझे टीसीएस ने अगर एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया है, तो उसने अपने डेटाबेस में ये सारे डिटेल मेंटेन किए रहेंगे। तो अब सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है, वो किसको इशू हुआ है, बैंक को इशू हुआ है। किसने इशू किया है, सी ए ने इशू किया है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने। एंड उसने ये सेम डिटेल जो है वो अपने डेटाबेस में ऐड करके रखा है। तो अगर किसी को अगर बैंक के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, दे कैन डायरेक्टली गेट द पब्लिक की फ्रॉम बाय रिक्वेस्टिंग इट और बाय सर्चिंग इट इन सी एस डेटाबेस, दैट इज रिपोजिटरी। सो वहाँ से उसने क्या किया, एमी ने बैंक का पब्लिक की लिया, अपना डेटा को या लेटर जो है उसको एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्टेड लेटर उसने ईमेल या जो भी वे है उसके थ्रू सेंड किया। अब जब बैंक अपना ईमेल चेक करेगा, तो वो उसको क्या मिलेगा, अब एक एनक्रिप्टेड लेटर मिलेगा, ही विल अप्लाई हिज प्राइवेट की और वो लेटर डिक्रिप्ट हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो ये देखो, ये नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, सो यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ द सेम। डिजिटल सिग्नेचर क्यों यूज करते हैं, बेसिक पैटर्न दिया हुआ है, अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देन डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट कैसे पिक्चर में आ रहा है, सो अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एमी ने अपना एक लेटर के ऊपर मैसेज डाइजेस्ट ऐड किया। ओके, मैसेज डाइजेस्ट के बाद में उसने क्या किया, ये मैसेज डाइजेस्ट जो उसने ऐड किया उसको सीक्रेट रखा उसने, बराबर है। देन उसको एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट करने के लिए ऊपर वाला सेम पैटर्न फॉलो होगा जो प्रीवियस डायग्राम में देखा। देन उसके ऊपर वापस उसने अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया और वो फिर उसने बैंक को भेज दिया। अब मैसेज डाइजेस्ट होता क्या है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाए बिना, अगर मैं मैसेज डाइजेस्ट आपको टेक्निकली अगर एक्सप्लेन करूँ, तो कोई कोई एक जो हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर हम लोग कितने नंबर ऑफ वन जीरोज है, मतलब एक बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई होता है।
तो सपोज अगर मैं वहां पे कैलकुलेट करूंगा कि अगर मेरा पूरा मैसेज मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और वो बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास वो पूरे मैसेज को मैं रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दूंगा, एंड उसके बाद में हर एक रो में मेरे नंबर ऑफ वंस, जो भी मेरा फर्स्ट रो है उसमें नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो मैं वहाँ पे आउटपुट में 1 लिखूंगा, अगर ऑड है तो आउटपुट में 0 लिखूंगा। ऐसा मेरा एक मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब ये नहीं समझा रहेगा, आई नो, अब यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस नहीं करने वाले। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करने का एक सिंपल रीजन है, मतलब क्यों यूज करते हैं, क्या होता है ये। आप समझो कि मुझे एक क्वालिटी बासमती राइस यहाँ से अगर कोई दूसरे स्टेट में भेजना है, सपोज यहाँ से मुझे गुजरात भेजना है, अब डिस्टेंस बढ़ा है, मैं ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म यूज़ कर रहा हूँ एंड आई डोंट ट्रस्ट ऑन दैट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, इट माइट पॉसिबल कि वो मेरे क्वालिटी राइस को चेंज करके उसके जगह पे लो क्वालिटी राइस जो है वो डेस्टिनेशन पे भेज देंगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक बड़ा सा जो 100 kg, 200 kg, 300, जितना भी बड़े अमाउंट का मेरा राइस बैग्स है उसको मैं ट्रांसपोर्टेशन से भेजूंगा एंड उसमें से थोड़ा सा सैंपल अलग निकाल के इसको मैं पर्सनली कुरियर करूंगा। सो रिसीवर जब वो बड़े से राइस बैग रिसीव करेगा एंड कुरियर से मिला हुआ ये सैंपल बासमती राइस रिसीव करेगा, ही विल मैच बोथ द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ बोथ द राइस। अगर दोनों मैच होता है देन दैट रिसीवर विल एक्सेप्ट दैट पार्सल और लेटर, वॉट एवर इट इज। अगर वो मैच नहीं कर रहा है मतलब उसका मतलब क्या हो गया कि जो ओरिजिनल मैसेज या ओरिजिनल राइस जो सेंडर के साइड से आया था वो टेम्पर्ड हो गया है ना, इट गॉट मॉडिफाइड या फिर वो चेंज हो गया। सो नाउ रिसीवर वॉन्ट एक्सेप्ट दैट स्पेसिफिक पार्ट। तो इसके लिए मैसेज डाइजेस्ट ऐड होता है, प्राइवेट की ऐड किया, सिग्नेचर ऐड किया टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी। जब रिसीवर के बैन जो है वो हम लोग का रिसीवर है, बराबर है, तो रिसीवर ने क्या किया, सबसे पहले उसके ऊपर देखा एमी का डिजिटल सिग्नेचर है, तो उसने क्या किया, एमी का ही पब्लिक की यूज करके, देखो एमी का पब्लिक की यूज करेगा वो, और उससे उसने लेटर को डिक्रिप्ट किया, सॉरी मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट किया। देन बैन ने क्या है, सेम वे अपना खुद का मैसेज डाइजेस्ट बनाया अपने एंड पे, है ना, मतलब उसको जो राइस बैग मिला हुआ है वो राइस बैग उसने वहां पे देखा एंड देन वो राइस बैग ऑन एमी ने भेजा हुआ सैंपल वो दोनों मैच करेगा। देखो कंपेयरिंग द मैसेज डाइजेस्ट, मेरे पास जो राइस मुझे मिला है और जो एमी ने भेजा, ये दोनों मैं कंपेयर करूंगा। सो मुझे मिला हुआ और एमी ने भेजा हुआ, ये दोनों अगर मैच कर रहे हैं दैट मीन्स जो राइस एमी ने भेजा था वही सेम मेरे पास पहुंचा है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन या विदाउट एनी चेंजेस, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज द बेसिक पैटर्न। ओके, ये एक पैटर्न हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन ये सब क्या होता है वो हम लोग को पता है। ई ऑथेंटिकेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। ई ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के लिए मैं सपोज UIDAI जो है हम लोगों का आधार कार्ड का वेबसाइट है वहाँ पे जाऊँगा। मुझे सपोज मेरे डिटेल्स या वर्चुअल आधार आईडी क्रिएट करना है, मैं वहाँ पे जाऊँगा अपना आधार डिटेल एंटर करूँगा, अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल डालूंगा, देन वो सेम डिटेल सर्वर के साइड से वेरीफाई होंगे। अगर वेरिफिकेशन सक्सेस होता है तो मुझे अपने डिटेल्स के ऊपर जो भी मुझे ऑपरेशन करना है वो मिल जाएगा। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग एक्चुअल रियल वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसा ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो होगा कि आप जब मेनली हम लोग जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ये डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे सो हम लोग एक दूसरे को फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने के बदले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजेंगे। और या फिर आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा आई अग्री बटन आता है, तो आई अग्री पे आप क्लिक कर रहे हो मतलब आप वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन CA के साथ में वर्किंग पैटर्न कैसे फॉलो होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे अभी। सो हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव अ CA, बराबर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अलाइज है एंड बॉब है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, CA ने डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो एक इशू हुआ है, किसको इशू हुआ है, अलाइज को इशू हुआ है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम, वेरिफिकेशन की, साइन, सिग्नेचर किसका है, CA का है इसके ऊपर। तो ये क्या हुआ, अलाइज को एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू हुआ। अब जब इसको अगर बॉब के कंपनी के साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अलाइज क्या करेगी, वो अपना ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके साइनिंग सिस्टम यूज़ करके
वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कॉन्ट्रैक्ट वो किसको भेज देगी, बॉब को। एंड बॉब फिर क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए वापस इसको किसको भेजेगा, जो सीए के सिग्नेचर है यहाँ पे नीचे उसके पास, टू वेरीफाई कि ये सिग्नेचर जेन्यून है, आपने इसको इशू किया है एंड ये सर्टिफिकेट अभी भी वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है। रिमेंबर, डिजिटल सर्टिफिकेट वो कोई एक फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं है जैसा हम लोग को मिलता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कोई एक कंप्यूटर पे एक बार इंस्टॉल होता है एंड देन वो सॉफ्टवेयर ओपन करके आप अपने डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट और उसके ऊपर सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास यहाँ पे, और एक बात क्या बोला है देखो सीए के लिए कि हम लोग के पास यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट है। अलाइज ने जब अगर अलाइज ने बॉब के साथ अगर एक साइन कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वो सेम जो है हम लोग सीए के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट मेरे पास आया है वो जेन्यून है या नहीं है। दैट्स इट। सो डायग्राम से आई होप बहुत सिंपल है समझने के लिए सीए क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उस पर प्रोवाइड होगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो यहाँ पे डायग्राम पे दिया है। देखो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो यूज़र को जो डिजिटल सर्टिफिकेट या सॉफ्टवेयर मिलेगा उसके ऊपर यूज़र नेम, उसका पब्लिक की प्राइवेट की, कौन से सीए के पास से इशू हुआ है, उसका नेम, वैलिडेशन पीरियड 1 साल 2 साल कितने टाइम के, एंड सिग्नेचर ऑफ सीए, और ये सब कुछ जो है सीए अपने डेटाबेस में पब्लिश करेगा। सो नेक्स्ट टाइम जो भी वेरिफिकेशन के लिए आएगा दे कैन वेरीफाई द सेम डिटेल फ्रॉम दिस डेटाबेस। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है, बहुत सिंपल है। फ्रंट एंड यूज़र जो है वो वेब सर्विसेज जो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में वो डिटेल जो है वो आगे जाएगा, वहाँ से हम लोग डेटाबेस में से वो सेम चीज़ें जो है वो फेच करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड मैच करेगा तो आप वेरीफाई हो जाएंगे। सो ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉलो होता है, ये सेम स्टेप्स यहाँ पे दिए। अब ये जो है ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, देखो बॉब एंड अलाइज ये दोनों के बीच में, सॉरी वी हैव बॉब एंड अलाइज, ये दोनों के बीच में बिजनेस डील होना है, ठीक है। ध्यान से देखो, देयर गोइंग टू बी अ बिजनेस डील बिटवीन दिस टू पार्टी, दैट इज बॉब एंड अलाइज। सो अब सबसे पहले बॉब ने क्या किया, सीए के पास से सर्टिफिकेट डिमांड किया, तो सीए ने उसका एप्लीकेशन वेरीफाई किया, उसको अगर लगता है कि ये जेन्यून पर्सन है और उसको अपने बिजनेस पर्पज के लिए अगर ऐसे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है तो ही प्रोवाइड होगा। याद रखो सीए आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो किसी को भी उठ के ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप देखो कि अगर यही सेम सर्टिफिकेट और उसके ऊपर जो क्रिप्टोग्राफिक पैटर्न है, बराबर है, जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको सिक्योर रख सकते हैं, अब यही सेम सर्टिफिकेट अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर यूज़ कर रहा है, कोई टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऐसे सर्टिफिकेट्स मिल गए, सो वो भी अपने डेटा को बहुत सिक्योरली कहीं पे भी भेज पाएंगे और हम लोग या अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए सीए को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। सो सबसे पहले बॉब ने एप्लीकेशन फाइल किया, बॉब अगर जेन्युइन पर्सन लग रहा है और उसके साथ में अगर हम लोग ये वेरीफाई कर पा रहे हैं कि वो जो पोस्ट पे काम कर रहा है और जो लेवल के डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर बाहर अगर लीक हुए या किसी ने अगर उसको चोरी किया तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है एंड यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सीए जो है वो देन वो सर्टिफिकेट बॉब को इशू कर देगा, बॉब वो सेम सर्टिफिकेट अलाइज को शो करेगा, अलाइज अभी डायरेक्टली बॉब को रिस्पॉन्ड करने के पहले वो सेम वेरिफिकेशन के लिए सीए के पास भेजेगी। सीए के पास एक वेरिफिकेशन अथॉरिटी होगा, ये सीए सारा काम खुद से नहीं करेगा, इसका असिस्टेंट समझ लो, जो जिसका काम रहेगा सर्टिफिकेट वेरीफाई करना। तो अगर ये सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है तो वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो फिर वापस अलाइज के पास आएगा। अगर वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है मतलब सर्टिफिकेट जेन्युइन है, वैलिड है, आप यहाँ पे आगे बिजनेस डील कर सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो हम लोग आगे बिजनेस डील नहीं करेंगे। सो यहाँ पे देखो स्टेप 7 में क्या हुआ, वेरिफिकेशन रिपोर्ट आया विच इज़ पॉजिटिव एंड दैट्स वाई टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन बिजनेस डील जो भी है वो अलाइज और बॉब के बीच में स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस, इसको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूज़र ए एंड ये एबीसी शॉप, ये दोनों के बीच में एक बिजनेस डील होना है, बराबर है। तो यूज़र ए को क्या लगेगा, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, वो एप्लीकेशन डायरेक्ट सीए के पास नहीं जाएगा, सीए इज़ वेरी बिजी पर्सन, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा, बेसिकली रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ये यूज़र के डिटेल्स, उसका एप्लीकेशन सब वेरीफाई कर लेगा।
अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने वेरीफाई कर लिया, उनको लगता है कि हाँ ये पर्सन जेन्यून है और इसको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, देन वो सेम एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली सीए के पास जाएगा और सीए वो सर्टिफिकेट इसके नाम पे इशू कर देगा। तो सीए जो है ये मेन अथॉरिटी है, उसके असिस्टेंट दो रहेंगे, एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रहेगा जिसके पास सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन आएंगे और यहाँ पे अगर अप्रूव हुए तो सीए के पास जाएंगे एंड सीए विल इशू अ सर्टिफिकेट टू देम। एंड उसके बाद में ये सर्टिफिकेट यूज़ करके यूज़र्स जब कोई दूसरे बिजनेस कोई दूसरे कंपनीज के साथ में बिजनेस डील करेंगे तो वो टाइम पे वो वापस ये सेम सर्टिफिकेट वैलिडेशन अथॉरिटी के पास भेजेंगे जो इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वैलिडेशन अथॉरिटी अगेन सीए का असिस्टेंट है, तो वैलिडेशन अथॉरिटी जो है वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट हम लोग के पास आया है यूज़र ए का वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो वैलिड है या प्रॉपर है तो फिर हम लोग वो सेम रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे एबीसी शॉप को दे देंगे, बराबर है। तो हम लोग हर एक बार सीए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सीए के असिस्टेंट जो है वो काम करेंगे। अगर सर्टिफिकेट इशू करना है तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी काम करेगा और अगर सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है तो वैलिडेशन अथॉरिटी काम करेगा। और सर्टिफिकेट इशू जो होता है वो सिर्फ सर्टिफिकेट हम लोग के पास सीए जो होता है उनके साइड से होता है। ओके, सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारे हम लोगों के पॉइंट्स हो गए जो इम्पोर्टेंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। सो रिमेम्बर आपको पेज नंबर 95 से यहाँ तक का ये सारा चीज़ें पढ़ना है, ई गवर्नेंस साइबर लॉ ये वाला नहीं पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना है ये जो डायग्राम है वो। एंड उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपको थोड़े थोड़े कुछ पेजेस बताऊंगा जो आपको ये पुराने नोट्स में से पढ़ना है। सो पेज नंबर 95 से पेज नंबर ये 105-104 तक पढ़ना है आपको। ओके, अब वापस हम लोग आते हैं अपने नोट्स पे। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन इन्फोटेक और डिजिटल वर्ल्ड। सो मैंने आपको बता दिया सीए कौन होता है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे सिनारियो वर्कआउट होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट इन इन्फोटेक वर्ल्ड। सो यहाँ पे आप देखो ई कॉमर्स इन सिंपल लैंग्वेज इज डिफाइंड बाई बाइंग सेलिंग गुड्स, बराबर है। तो इसके लिए आपको मेनली आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड होता है। स्पीड ऑफ इंटरनेट ट्रांजेक्शन जो है वो आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, तो उसमें हम लोगों को ये चार टाइप के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सेस सिर्फ मिलेगा, बराबर है। लाइक अगर मैं मेरा बैंक का पासबुक एक्सेस कर रहा हूँ सो वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो गया, है ना। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप पे अगर हम लोग जा रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हम लोग किसी के साथ मैसेज सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। शॉपिंग सर्विसेज अमेजोन टाइप एंड वर्चुअल एंटरप्राइज है। वर्चुअल एंटरप्राइज मतलब जहाँ पे जाके हम लोग अपने कोई दूसरे अलग अलग काम जो है पर्पस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये आपके चार टाइप है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस आर द बिजनेस अरेंजमेंट वेयर ट्रेडिंग पार्टनर वॉज सेपरेटेड बाई जियोग्राफी एंड एक्सपर्टाइज आर एबल टू एंगेज इन टू अ जॉइंट बिजनेस। फ्रेंचाइजी हो गया या फिर कोई एक जॉइंट बिजनेस आ गया, समझ लो कि जॉइंट बिजनेस टाइप हम लोग के पास ये आप देख लो कि हम लोग के पास फेसबुक है, तो फेसबुक ने क्या किया है, वो जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे अलाव कर रहा है वो खुद से सेल नहीं कर रहा है, वो सेल कहाँ से हो रहे हैं मेनली आप अगर देखेंगे तो वो सेल जो हो रहा है वो कोई दूसरे मर्चेंट्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को फेसबुक के पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, वहाँ से लोग परचेस कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज़ द वर्चुअल एंटरप्राइज जहाँ पे अलग अलग लोकेशन से। अब देखो लिंक्डइन, लिंक्डइन इज अगेन वन एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग या फिर आप आईटी प्रोजेक्ट्स देख लो। आप अगर गिटहब देखेंगे सो गिटहब हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एक प्रोजेक्ट का को सिंक्रनाइज करने के लिए, जब हम लोग का डेवलपर टीम इंडिया में, डेटाबेस टीम यूएस में है, डिज़ाइनर टीम यूके में है, देन हम लोग का जो मार्केटिंग टीम है वो सपोज ऑस्ट्रेलिया में, और ये सारे मिलके एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो वो टाइम पे दैट्स गोइंग टू बी आर वर्चुअल एंटरप्राइज। सो ये सब साइमल्टेनियसली अपने टाइम जोन पे, अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से, मतलब कभी जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे रात होगा, जब वो काम कर रहे हैं यहाँ पे रात होगा, सो सब एक साथ काम नहीं कर रहे, वो अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो टाइम पे वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो टाइम पे वो गिटहब जैसा एक सर्विस का यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है वो सिंक्रनाइज होगा, आप जो भी अपडेट्स करेंगे उसके साथ में आपका प्रोजेक्ट का अपडेटेड वर्जन वहाँ पे रिवाइज होते रहेगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके वो सेम अपडेट्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आप जब रात में अगर सोए थे और वो टाइम पे बाकी दो कंट्रीज़ में अगर कोई उनके यहाँ से अगर कोई वर्क कर रहा था तो उन्होंने क्या अपडेट किए, क्या चेंजेस किए और आपको क्या इन्फॉर्म किया, वो सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे।
सो दैट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे देखो इन आईटी वर्ल्ड वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लिक रैप एंड श्रिंक रैप। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दो वर्ड समझने की ज़रूरत है जो ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। ओरिजिनेटर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट कर रहा है ना, जहाँ से जनरेट हो रहा है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिनेटर बोलेंगे। और जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रेसी बोलेंगे। सो द पार्टी डो नॉट मीट फिजिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेज, देर इज़ नो फिजिकल बाउंड्री, नो हैंड रिटन सिग्नेचर, देर इज़ नो आउटर मोस्ट सिक्योरिटी और रिस्क फैक्टर इन वेरी हाई ज्यूरिसडिक्शनल इशूज़। यहाँ पे मेजर सेटबैक है क्योंकि मैंने सपोज बोला है कि जो ओरिजिनेटर है वो सपोज इंडिया में और जो एड्रेसी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सपोज US में। तो अब अगर आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग केस फाइल कहाँ पे करेंगे, देन अगर किसी के साथ अगर हम लोगों को बिजनेस डील करना है तो वो कहाँ पे करेंगे, है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों के। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर केस फाइल करना है तो वो टाइम पे सबसे मेन ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर एक पार्टी US में एक पार्टी इंडिया में और अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो हम लोग केस फाइल करेंगे कहाँ पे, US में करेंगे या इंडिया में करेंगे, है ना, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो यहाँ पे वो सारे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या रहेगा तो ये आपको याद रखने, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में थियरी आंसर क्वेश्चंस में ये आता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऑफर, अब देखो यहाँ पे ये सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर्स इज डिफाइंड इन अ वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट्स, आर इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट स्पेसिफाइड क्लियरली। अब देखो आपको ऑफर जो मिलता है वो ऑफर का मतलब ये नहीं रहता है कि वो गारंटी, उसमें जो भी चीज़ दिया है वो आपको गारंटी मिलेगा। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि आपके पास ऑफर्स डिफाइंड रहते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, आप अगर कोई दूसरे वेबसाइट पे हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वो बता रहा है कि ओके फ्लिपकार्ट के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स जो है वो 50-60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो 1000 रुपीज़ में मिल रहा है, कोई ग्रोसरीज जो है दे आर प्रोवाइडिंग सम ग्रोसरीज टू सम यूजर्स फॉर 1 रुपी 2 रुपी, ऐसे फालतू के मैसेजेस बहुत बार देखे रहेंगे, दोज आर जस्ट एडवर्टाइजमेंट। कोई एक फ़ोन का प्राइस जो एक्चुअल में अगर 20-30,000 का है, आपको वहाँ पे बताएगा कि अंडर सेल वी आर सेलिंग दिस फ़ोन फॉर 15,000, 16,000 या 12,000, आप जब एक्चुअल में विजिट करेंगे तो उसका प्राइस उतना ही रहेगा, है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है, क्लियर स्पेसिफाइड नहीं रहेंगे चीज़ें, और यहाँ पे हम लोग ये जो है इनको एक्सेप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या आपको क्या बता रहे हैं कि वी हैव अ स्मार्टफोन जो आपको डिस्काउंट्स पे मिल रहा है। तो आप देखो वो टर्म्स जो वर्ड्स है उसको बहुत प्रॉपरली यूज़ करते हैं। अब कभी कभी अगर वो आपको बोलेंगे कि हाँ आपको ये जो ग्रोसरीज है वो 1 रुपी में मिलेंगे, देन बाद में आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ दे आर प्रोवाइडिंग सम ग्रोसरीज फॉर 1 रुपीज, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको 1000 का शॉपिंग करना पड़ेगा। गेटिंग, सो दैट इज़ द ऑफर। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट अगर परचेस कर रहा हूँ, सो आई एम एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस विच इज प्रोवाइडेड देन, सो दैट इज द एक्सेप्टेंस वाला पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक्सेप्टेंस वाला पार्ट में क्या आएगा, वी आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स कंडीशन। आप अगर ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं कोई एक प्रोडक्ट तो वो टाइम पे आपको टर्म्स कंडीशन उसके एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लाइक अगर सर्टन प्रोडक्ट कभी कभी अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं देता है रिफंड या रिटर्न करना, सो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो आपको अपने रिस्क पे वो प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा। सो इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग, आप वहाँ पे वापस ब्लेम नहीं कर सकते अमेजोन को, बिकॉज उन्होंने टर्म्स कंडीशन डिफाइन किए थे। या फिर सेम वे जो मर्चेंट है उसको भी टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं वहाँ पे अब बता रहा हूँ कि हाँ रिफंड इज एलिजिबल, तो अगर कोई एक पर्सन अगर कोई एक प्रोडक्ट अगर यूज़ करता है एंड उसके बाद इफ़ दे थिंक कि ये प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है या प्रॉपर नहीं है, दे कैन रिटर्न इट, और जो जो मेन मर्चेंट है उसको वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, बराबर है। तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट परचेस करना चालू किया आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे हो गया, है ना। देन पोस्टल एक्सेप्टेंस रूल इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट एक्सेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर और बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट।
नाउ लॉफुल कंसिडरेशन क्या बोला है, शुड बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. प्रॉब्लम्स मे बी अराइज एट अ टाइम व्हेन कंसिडरेशन इज मियरली एग्जीक्यूटरी लाइक व्हेन एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट प्रोमिसेस टू सप्लाई एन आइटम. अब आप देखो कि बहुत बार आपने देखा रहेगा कि आप जब अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कोई या कोई भी दूसरे शॉपिंग साइट से इफ यू ऑर्डर सम प्रोडक्ट एंड इट शोज कि ओके डिलीवरी विद इन 2 days या 24 hours या 5 days एंड उसके बाद में अगर उनके पास वो सेम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजी रीजन दे माइट डिले द डिलीवरी ऑफ द सेम प्रोडक्ट. एंड अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे देन दे सपोज टू फॉलो दैट डिलीवरी रूल्स और गाइडलाइंस या प्रोमिसेस. लेकिन ये सेम जब अगर वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं ना वहाँ पे हम लोग के पास ये अगर डिले अगर हो रहा है यहाँ पे देन वो डिले जो है वो यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो सेम रूल्स जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर यहाँ पे वो सेम एप्लीकेबल नहीं है. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि प्रॉमिस टू सप्लाई एन आइटम वो अगर आप फुलफिल नहीं भी करते हो तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना. आप कुछ नहीं कर सकते. आप देखो आप सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, नथिंग एल्स इज डन. सो अनदर प्रॉब्लम इज दैट सच लॉ कैन नॉट अप्लाई व्हेन एनोनिमस कंप्यूटर इज यूज्ड. लॉफुल ऑब्जेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पर्पस शुड बी अ लॉफुल वन. आप कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं डाल सकते अपने हिसाब से. आप कोई टर्म्स कंडीशन अगर डालेंगे तो वो एज पर द लॉ वो करेक्ट होने चाहिए. आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बता सकते हैं कि अगर ये जो पर्सन है इसने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा तो हम लोग इनका घर प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम करके अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको कंपेंसेट करेंगे. दिस इज़ नॉट लीगली करेक्ट. सो अगर आप ऐसे कोई पॉइंट्स ऐड भी कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी अगर वो पब्लिक पॉलिसी अगर इनलीगल है या पब्लिक पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं सो कोर्ट उसको नल डिफाइन कर देंगे, वॉइड एंड नल डिफाइन कर देंगे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मीनिंग नहीं बचेगा. एंड एट दी एंड जो पर्सन के ऊपर आपने केस किया है वो ऐसे ही छूट जाएगा. कॉम्पिटेंट पार्टीज आर नेचुरल एंड लीगल पर्सन. अब देखो यहाँ पे कॉम्पिटेंट पार्टी में दो वर्ड्स लिखे हैं, नेचुरल. नेचुरल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन एंड अ कंपनी और एन कंप्लीट एंटिटी. सो कोई एक कंपनी जो है ना उसको हम लोग लीगल एंटिटी बोलेंगे जो बिजनेस में है. लेट सपोज कि अगर मैं बोलूँ अगर कोई XYZ कंपनी इन्वॉल्व है तो वो लीगल पर्सन हो गया जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, उनके पास लाइसेंस है इंडिया में बिजनेस रन करने के लिए. तो अगर उनके पास लाइसेंस है तो वो लाइसेंस के साथ में उनके ऊपर कोई रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ लीगल पर्सन जिनको ऑफिशियली परमिशन लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट के साइड से टू रन एनी XYZ टाइप ऑफ अ बिजनेस जिनका उसको लाइसेंस मिला है. सो अब यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूटर इज नाइदर अ नेचुरल मतलब इंडिविजुअल लाइक अस और अ लीगल पर्सन भी नहीं है, वो कोई कंपनी इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटर जो है ना उसको हम लोग पिक्चर में लाते हैं एंड हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर का जो ऑपरेटर है वो मेनली उस कंप्यूटर का ऑपरेटर जो है ना वो मेनली पिक्चर में आएगा एंड वो कॉम्पिटेंट पार्टी जो है वो डिफाइन होगा कि ओके वो कंप्यूटर का जो ऑपरेटर है इज द कॉम्पिटेंट पार्टी. सो ऑटोनोमस कंप्यूटर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी. ओके एंड फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी. ऑटोनोमस कंप्यूटर हाउएवर क्लियरली कैन नॉट बी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी. ऑफकोर्स कंप्यूटर्स कभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी नहीं हो सकते. तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्री कंसेंट दिया है मतलब कि आप अगर कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हो लेकिन आप यूज कर रहे हो अपने अकाउंट से यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होगा, आप ही ऑटोमेटिक हो जाओगे. ये आपका फ्री कंसेंट वहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है. एंड सर्टिनिटी ऑफ टर्म्स. सर्टिनिटी ऑफ द टर्म्स गिवन इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल शुड बी लॉफुल. बस वही है. सो जो प्लेस पे हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके लॉ टर्म्स क्या है उसके हिसाब से आपको अपना अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. उनके हिसाब से अगर कोई एक चीज़ अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, तो आप यहाँ पे वो पॉइंट्स वो टर्म्स यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपको याद रखना है. लाइक आप देखो कि इन चाइना दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री है. सो आप अगर देखेंगे ना कि गूगल जो है ना वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड मैनर में वहाँ पे चलता है. इफ़ यू नो कि ड्रैगन फ्लाई नाम से वहाँ पे एक गूगल सर्च इंजन चलता है एंड गवर्नमेंट साइड से जो पर्टिकुलर डिटेल्स अलाउड है वही सिर्फ वहाँ पे दिखेगा. तो अगर हम लोग गूगल के टर्म्स कंडीशन अगर देखेंगे सो वो आपको बता रहा है कि हम लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, बराबर है. लेकिन
कंट्री टू कंट्री उनके रूल्स उनके कंडीशन के हिसाब से। आप देखो चाइना में गूगल बहुत टाइम तक बैन था, लेकिन एट लास्ट गूगल जो है उसने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस, बिकॉज दे मॉनिटर्ड कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री और यहाँ पे उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है एवरी ईयर, जहाँ पे सिर्फ 40-50% पीपल जिनके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है, जिनके पास डिवाइसेस है जहाँ से वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके कंपैरिजन में इफ़ वी गो टू चाइना जहाँ पे 90% और मोर पीपल जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, स्मार्ट डिवाइसेस है, तो अगर वो वहाँ पे अगर अपना सेम अगर बिजनेस रन करेंगे तो उनके पास कितना बड़ा रिवेन्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है। सो सालों से जो गूगल चाइना के टर्म्स कंडीशन के साथ अग्री नहीं कर रहा था, एट लास्ट दे अग्रीड, दे स्टार्टेड द सर्च इंजन देयर विद द नेम ड्रैगन फ्लाई, दे हैव पुट अ रिस्ट्रिक्शंस और अ कंडीशन एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो अब अगर मैं चाइना के बारे में अगर इंडिया में अगर कोई निगेटिव या कोई एक ऐसा कोई न्यूज़ अगर चल रहा है तो वो उनके यूजर्स को कभी पता नहीं चलेगा वॉट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड और वॉट पीपल थिंक अबाउट चाइना आउटसाइड चाइना। सो बहुत ही फिल्टर्ड आउट चीज़ें आपको देखेंगे। सो इफ यू आर इन चाइना यू विल थिंक कि चाइना इज़ द बेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, यही परसेप्शन वर्ल्ड के लोग सोचते हैं, और चाइना इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, बराबर है, कोई भी उसके सामने नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन इमेजिन मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला है, व्हेन एन ऑनलाइन बायर और यूजर क्लिक ऑन एन आई अग्री बटन, बराबर है, व्हेन यू आर परचेसिंग समथिंग द टर्म्स इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट सर्च अग्रीमेंट मोस्ट रिक्वायर्स क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन आइकन, जिसका मतलब है कि आपने वो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट किए। सो या तो आप टाइप करेंगे आई अग्री करके, या फिर वहाँ पे चेकबॉक्स दिया रहेगा आई अग्री का, यू विल सिलेक्ट दैट, या फिर वहाँ पे बटन दिया रहेगा आई अग्री या कैंसिल वाला, आपने आई अग्री बटन पे क्लिक किया, सो उसका मतलब है कि आपने टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए। सो इसको हम लोग क्लिक एंड रैप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वही सेम यहाँ पे दिया। टाइप एंड क्लिक, टाइप एंड क्लिक इज अ टाइप एंड क्लिक रैप अग्रीमेंट वेयर यूजर मस्ट टाइप आई एक्सेप्ट और अदर स्पेसिफाइड वर्ड्स ऑन द स्क्रीन बॉक्स एंड देन क्लिक सबमिट और सिमिलर बटन, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एक आइकन आता है लाइक ओके या अग्री करके, एंड दूसरा आएगा कैंसिल या क्लोज द विंडो। सो आप अगर ओके या आई अग्री पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, दैट मींस यू आर ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट अग्रीमेंट, एंड कैंसिल पे क्लिक करेंगे मींस यू आर नॉट अग्रीइंग टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज श्रिंक रैप अग्रीमेंट। अब ये है ना थोड़ा अलग है। श्रिंक रैप के अंदर क्या होगा, अगर मैं कोई बॉक्स या सीडी ओपन करता हूँ, जैसे आप देखो कि हम लोग कोई स्मार्टफोन या कुछ परचेस करते हैं तो उसका वारंटी कार्ड सपोज वो मोबाइल बॉक्स के अंदर है, तो एक बार अगर मैंने उसको अनपैक कर दिया, मतलब उसके बाद कंपनी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दैट मोबाइल वंस इट इज वंस वी अनपैक दैट। एक बार वो अनपैक हुआ मतलब वो अभी यूज्ड कंसिडर होगा, ठीक है, आप उसको इमीडिएटली रिटर्न नहीं कर सकते जस्ट बाय स्टेटिंग कि उसके टर्म्स कंडीशन इज नॉट सूटेबल फॉर माय पर्पस। सो सर्टन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको कंपलसरी मानना ही पड़ता है, आप अगर अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो इट डजेंट मैटर, वो आपसे पूछ भी नहीं रहा है, वो डायरेक्टली फोर्सफुली आपको बता रहा है वो टर्म्स कंडीशन। सो उसको हम लोग श्रिंक रैप टाइप का अग्रीमेंट बोलेंगे, जहाँ पे जब तक आप वो बॉक्स ओपन नहीं करते तब तक आपके पास वो कोई टर्म्स कंडीशन डिफाइंड नहीं है, जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे उसके अंदर के जो भी टर्म्स कंडीशंस जो भी दिया है वो आपको अग्री करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। सो समटाइम्स एडिशनल टर्म्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर लोडिंग द प्रोडक्ट ऑन द कंप्यूटर एंड देन इफ द बायर डज नॉट अग्री टू दोज एडिशनल टर्म्स देन ही हैज एन ऑप्शन टू रिटर्न द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में ऐसा हो पाएगा, लेकिन हर एक प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे जस्ट बाय स्टेटिंग के इसके टर्म्स कंडीशन। आप देखो आप स्मार्टफोन कभी आप ले लो, देर इज नो चॉइस कि आपको अगर उसके वारंटी के जो टर्म्स कंडीशन दिए इफ यू आर नॉट अग्रीइंग विद दोज टर्म्स कंडीशन देन यू कैन रिफंड दैट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है, यू कैन रिटर्न और रिफंड दैट प्रोडक्ट ओनली इफ देर आर सम टेक्निकल इशूज विद दैट डिवाइस विद इन वन वीक, अगर कोई हार्डवेयर फेलियर या कुछ भी होता है तो।
अदरवाइज इफ यू जस्ट गो एंड गिव अ रीजन कि आई एम नॉट अग्रीइंग विद द टर्म्स कंडीशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय दिस डिवाइस, दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट, कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट इट. उनके टर्म्स कंडीशन में है ही नहीं. हाँ, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ सॉफ्टवेयर. अब पहले वो सॉफ्टवेयर के सीडी आते थे, वहां पे ही अवेलेबल था. आज के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन वो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे जैसे वी कैन सी कि वी हैव दिस गूगल मीट सॉफ्टवेयर. सो इफ आई गो एंड परचेज द लाइसेंस, अगर मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा, इसका मंथली लाइसेंस अगर लेता हूँ, दैट इज द पेड वर्जन. सो उसके साथ उसके कुछ टर्म्स कंडीशन आएंगे. नाउ हियर आई हैव अ चॉइस कि आफ्टर 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 टेकिंग द लाइसेंस वर्जन ऑफ या आफ्टर सब्सक्राइबिंग फॉर दिस गूगल मीट सॉफ्टवेयर एंड लेटर इफ आई फाउंड फ्यू टर्म्स कंडीशन आर नॉट एक्सेप्टेबल और नॉट टू द नॉट अप टू द मार्क फॉर मी, देन आई कैन ईजिली कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन. दैट ऑप्शन आई हैव, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट में यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं रहेगा. सो एज सून एज परचेसर टीयर्स द पैकेजिंग और अ कवर फॉर एक्सेसिंग द सॉफ्टवेयर और अ प्रोडक्ट, स्टीम रैप अग्रीमेंट्स गेट्स द प्रोटेक्शन बाय इंडेमनीफाइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एनी कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन. मतलब आपको अगर मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर दिया है, आपने जैसे ही उसको अनपैक किया है ना, आपके पास वो सॉफ्टवेयर आ गया, तो तभी से ये जो रूल्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट के, ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई हो गए. तो बाद में अगर आप वो सॉफ्टवेयर के मल्टीपल कॉपीज बना के अगर मार्केट में बेचोगे, या फिर आप उसके अगर कोई पॉइंट्स अगर आप उसके अगर कोई पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे बता रहे हो है ना, तो वो टाइम पे क्या होगा कि आप वो पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली अग्री कर रहे हो. गेटिंग? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन. सो श्रिंक रैप लाइसेंस इज अ एंड यूजर अग्रीमेंट, जहाँ पे एंड यूजर को मानना ही पड़ता है, दे डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव. सो वंस द एंड यूजर ओपन द पैकेजिंग, सो उसके साथ में आप वो एंड यूजर अग्रीमेंट जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक राइट टू यूज लाइसेंस एंड फीस एंड पेमेंट है ना, क्लॉजेस वारंटी, ये सब आपको उसके अंदर ही मिलेगा, आपको पहले से नहीं मिलेगा. सो लिमिटेशन एंड लाइबिलिटीज, ये सब कुछ उसमें डिफाइंड रहेगा और वो आपको अग्री करना ही पड़ेगा, वेदर यू आर कन्विंस्ड विद दैट और यू आर नॉट कन्विंस्ड. ठीक है? सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड सिंपल टू एवरी वन. यहाँ पे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये उसका डिफरेंस दिया हुआ है आपको. वैलिडिटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, सो ये जो पॉइंट है डिफरेंस वाला जो है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, सो दैट एक बार वापस आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों का एक बार वापस रिवाइज हो जाए. ठीक है? बिकॉज आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. दिस इज़ यूनिट 2 जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, डिफरेंस से विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. सो आपको याद रहेगा प्रॉपरली. ठीक है? आई होप आज जो भी मैंने पढ़ा है वो क्लियर है. किसी को कोई डाउट है? एनीवन एनी डाउट्स? बताओ जल्दी से. एनीवन एनी डाउट्स गाइज? एनी डाउट्स एनीवन? जाग रहे ना लोग? ओके, नो डाउट्स. ठीक है ठीक है ठीक है.